हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिफरेंट ज्ञान चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए पिटिक चलते हैं। पिटिक आपने नाम कभी भी नहीं सुना होगा शायद। तो पिटिक एक एरिया का नाम है जहाँ पे बहुत सारा पहाड़ एंड पहाड़ के बीच जंगल के बीच इन लोग रहते हैं, उस एरिया को एक पिटिक कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इस एरिया को यानी पिटिक एरिया को। तो जिन लोग डिमासो डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आए हैं तो यानी यहाँ पे कम से कम एक साल तक रह गए तो इन लोगों को पता चलेगा पिटिक एरिया किस तरह है। एंड पिटिक के बाद आपको बोंकाई मिलेगा। शायद आप लोगों बोंकाई नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो एंड बोंकाई एरिया को मैंने दूसरे वीडियो पर दिखाया, आप लोग जरूर देखना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है। तो व्यूअर्स ये जो रोड से हम लोग जा रहे हैं ना, इसी रोड से आपको बोंकाई पिटिक मिलेगा आप लोगों को। और ये रोड NH 54 यानी जो माइबंग से चल कर बादशाहबाड़ी होते हुए सीधा खेपरे एंड कलाई दिशा, उसके बाद आप लोगों को पिटिक मिलेगा जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं व्यूअर्स। एंड खास बात यह है कि ये जो रोड है से हम सब जा रहे हैं यानी ये मेन रोड है, तो ये रोड एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी भी सुना नहीं होगा शायद कि रोड सच में ख़त्म होता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ पे जाके ये रोड ख़त्म हो जाता है, उसी जगह को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो पे नहीं दिखाऊंगा व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो पे मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये रोड यानी ये जो मेन रोड है, ये रोड एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको कोई भी रोड नहीं मिलेगा, गाड़ी भी नहीं जाएगा एंड पैदल जाना पड़ेगा लास्ट बॉर्डर तक। तो व्यूअर्स कौन सा रोड से आप लोगों को इस ये जो मैंने एरिया का नाम बताया, इन सब एरिया पर आप आ सकते हो। तो रोड का कंडीशन भी मैंने दिखाया है, दूसरे वीडियो पे मैंने दिखाया है, अलग अलग नाम लिख के मैंने दिखाया है। एंड खेपरे किस तरह है, खेपरे मार्केट किस तरह है, खेपरे पे आने के लिए आपको कौन सा रोड से आना पड़ेगा, पिटिक पे आने के लिए किस कौन सा रोड से आप लोगों को आना पड़ेगा, ये सब मैंने दूसरे वीडियो पर दिखाया है रोड का कंडीशन। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक भी दे दिया, अलग अलग एरिया का नाम लिख के मैंने लिंक दे दिया, आप लोग जरूर देखना। ओके, एंड नागालैंड बॉर्डर किस तरह है, मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो पे दिखाया है इस एरिया को। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, अलग अलग हैं, अलग अलग है बॉर्डर का, अलग अलग बॉर्डर का नाम लिख के मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जरूर देखना वो वाला वीडियो। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर आप इस एरिया से आप बिलोंग करते हो एंड इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो व्यूअर्स फाइनली फ्रेंड्स पिटिक आके हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये रहा पिटिक एरिया, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, जिन लोग एडवेंचर है और टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए यहाँ पे, पिटिक को देखने के लिए घूमने के लिए भी आते हैं। और खेपरे पे जो आईबी है उसी आईबी पे रहते हैं टूरिस्ट लोग। पिटिक पे ज़्यादातर लोग डिमासा है एंड कुकी भी होंगे शायद, और मुझे पता नहीं। और एक्सप्रोमेटली 50 से 60 फैमिली बिलोंग करते हैं यहाँ पे, जितना तक मुझे पता है। हर वीकली यहाँ पे मार्केट होता है, वेजिटेबल कम मिलता है व्यूअर्स, लेकिन प्राइस बहुत कम है वेजिटेबल का। यहाँ के लोग सोलर के ऊपर ज़्यादातर लोग डिपेंड करते हैं सोलर के ऊपर, क्योंकि बिजली यहाँ पर नहीं रहता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि भाई पहाड़ी अंचल है तो बारिश या हवा ज़्यादा होने के बाद करंट कट हो जाता है, और उसके बाद मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन लोगों को, इसलिए लोग सोलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और व्यूअर्स नेटवर्क की बात करें तो सिर्फ एयरटेल नेटवर्क आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, दूसरा कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। बीच बीच में मिल सकते हैं दूसरे नेटवर्क, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ एयरटेल नेटवर्क है। जियो यहाँ पर है लेकिन जियो मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एंड ना कोई पेट्रोल पंप मिलेगा, ना कोई गैरेज मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो माइबंग से अपने गाड़ी का पेट्रोल फुल टैंक करके भर्ती करके आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। बीओरसी पिटिक गांव के अंदर जो लेन है यानी जो गली है, काफ़ी बढ़िया से बनाया गया है, ढलाई करके बना दिया गया है, काफ़ी बढ़िया काम किया है लीडर लोग यहाँ पे, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है यहाँ पे जो गली को, ढलाई करके बना दिया गया है, काफ़ी अच्छा काम किया है लीडर लोग ने, वेरी गुड। कीचड़ की कोई झंझट नहीं यहाँ पे है, पास है लिखा है कागज में, दिमागरी कहाँ है, दिमागरी।
तो यहाँ से व्यूअर्स कलाइडी से 8 किलोमीटर है एंड बोंकाई यहाँ से 4.290 किलोमीटर है। हम लोग उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बोंकाई एरिया यानी नागालैंड बॉर्डर, मैं दूसरे वीडियो पे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये रहा पिटिक एरिया का जो फील्ड है, या ये इस फील्ड पे लोग कुछ खेलते हैं, कुछ एंजॉयमेंट करते हैं यहाँ पे। और अगर डिमासा जो बिहू होता है, बिहू यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर डिमासा लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। हिंदी लैंग्वेज कम चलता है यहाँ पे, दूसरा लैंग्वेज को कम थोड़ा सा कम चलता है यहाँ पे, डिमासा ज़्यादातर लोग समझते हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स इसके रिगार्डिंग और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जोड़ो कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा व्यूअर्स। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बोंकाई एरिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना व्यूअर्स। थैंक यू, जय हिंद।